फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल टॉप स्टडी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी फाइनल नॉर्मलाइज कटअप सीएन 1/2019 का। इसका बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने से पहले हम लोग देख लीजिए कि यहाँ का कटअप प्रत्येक जोन में एवरी जोन का नॉर्मलाइज कटअप कितना जा सकता है, सब कैटेगरी वाइज रहेगा और यहाँ पर इस बार क्या क्या फ़र्क रह सकता है, क्योंकि पिछले बार 2015 में इसका जो वैकेंसी था वो 18,000 प्लस था और इस बार जो वैकेंसी है वो 35,000 प्लस है। इस बार 10+2 को भी जोड़ा गया है, +2 लेवल वाले को भी जोड़ा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक जोन में कितना नॉर्मलाइज कटअप रह सकता है, आपका सेफ स्कोर क्या है वो तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपका सेफ स्कोर जानना चाहते हैं तो सेफ स्कोर इजी शिफ्ट वाले के लिए 60+ और हार्ड और मॉडरेट शिफ्ट वाले के लिए 55+। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है और प्रत्येक जोन में वेरी करेगा और कितना कितना रह सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद का इस बार का जो नॉर्मलाइज कटअप रह सकता है वो रह सकता है 68, ओबीसी का 60, ईडब्ल्यूएस का 60, एससी का 53 और एसटी का 51। इसमें आप प्लस माइनस 1-2 मार्क्स कर सकते हो, क्यों इससे अधिक नॉर्मलाइज का कटअप नहीं जा सकता है। वहीं अगर अजमेर का बात करेंगे तो अजमेर में जनरल के लिए 74, ओबीसी के लिए 66, वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो 65 और एससी का बात करेंगे तो 61 और एसटी का 59। वहीं अगर हम इलाहाबाद का बात करेंगे तो 74 और ओबीसी का 66, ईडब्ल्यूएस का 64, एससी का 62 और एसटी का बात करेंगे तो 57। यहाँ पर इस बार का कटअप इससे अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ इस बार 20 गुना कैंडिडेट को भी लिया जाना है। अब आगे देखते हैं कि कौन सा बोर्ड है, तो आगे है बेंगलोर। तो बेंगलोर का इस बार का कटअप जा सकता है 69 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, एससी के लिए 58 और एसटी के लिए 55। वहीं अगर हम भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल में इस बार का नॉर्मलाइज कटअप 72, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 और एससी के लिए 59 और एसटी के लिए 52। वहीं अगर हम बात करेंगे कि भुवनेश्वर बोर्ड, तो भुवनेश्वर में जनरल का 68, ओबीसी का 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 59 और एससी के लिए 52 और एसटी के लिए 50। आप किस बोर्ड से आते हैं आप खुद को देख सकते हैं कि आपका अगर इतना आपका रो मार्क्स इससे अगर आपका 5 नंबर 10 नंबर कम भी है तो आप इस बोर्ड में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। हाँ, अगर आपका बशर्ते शिफ्ट आपका हार्ड होना चाहिए, अगर इजी है तो आप 2-3 नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो आइए देखते हैं अगला बोर्ड कौन कौन सा है। तो अगला बोर्ड है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को इस बार का हार्ड माना जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 74.66, इससे अधिक यहाँ पर नहीं जाएगा जनरल का। ओबीसी का 68, ईडब्ल्यूएस का 67 और एससी का 62 और एसटी का 60। वहीं अगर हम चेन्नई का बात करेंगे तो चेन्नई में भी इस बार का कटअप कम नहीं जाने वाला है, यहाँ पर भी जनरल के लिए 68.67,
ओबीसी के लिए 63, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 और एससी के लिए 56 और एसटी के लिए 52। वहीं अगर गोरखपुर का बात करेंगे तो गोरखपुर का 71, ओबीसी का 65 और ईडब्ल्यूएस के लिए 62, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 54। ये आपका चंडीगढ़, चेन्नई और गोरखपुर जोन का ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। अब आगे देखते हैं हम लोग गुवाहाटी के लिए। तो गुवाहाटी के लिए इस बार जनरल के लिए कट ऑफ 68, ओबीसी के लिए 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 59 और एससी के लिए 51 और एसटी के लिए 50। वहीं अगर हम जम्मू का बात करेंगे तो जम्मू का इस बार कटअप रह सकता है 69, वहीं ओबीसी का 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, एससी के लिए 56 और एसटी के लिए 55। वहीं अगर कोलकाता का बोले तो इस बार कोलकाता का कटअप रह सकता है 72.67, ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 और एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 58। आप देख लीजिए कि आप किस किस बोर्ड से फॉर्म फिल किए हैं और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इससे अगर 4-5 नंबर 10 नंबर कम आ रहे हैं, अगर आपका शिफ्ट हार्ड था तो आपको निश्चित ही आपको CBT2 का जियो जान से ही तैयारी करना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला बोर्ड है मालदा। मालदा का जनरल के लिए 70, ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 63, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 58। वहीं अगर मुंबई का बात करेंगे तो मुंबई का जनरल का 72, ओबीसी का 64 और ईडब्ल्यूएस के लिए 63, एससी के लिए 59 और एसटी के लिए 57। वहीं मुजफ्फरपुर का बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर का जनरल के लिए 67, ओबीसी के लिए 60, ईडब्ल्यूएस का 59 और एससी का 58 और एसटी के लिए 55। आगे देखते हैं, आगे है पटना, रांची, सिकंदराबाद। इस बार पटना का कटअप जा सकता है 73, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 66, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 59। वहीं अगर हम रांची का बात करेंगे तो रांची का 72, ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 और एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 55। वहीं सिकंदराबाद का बात करेंगे तो सिकंदराबाद का जनरल के लिए 73, ओबीसी के लिए 63, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, एससी के लिए 59 और एसटी के लिए 57। ये आपका पटना, रांची और सिकंदराबाद का है। अब आगे देखते हैं, अगला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का जनरल का 74, ओबीसी का 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 64, एससी के लिए 59 और एसटी के लिए 56। वहीं अगर हम बिलासपुर का बात करेंगे तो जनरल के लिए 70, ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 63, एससी के लिए 58 और एसटी के लिए 55। वहीं अगर सिलीगुड़ी का बात करेंगे तो जनरल के लिए 69, ओबीसी का 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 और एससी के लिए 58 और एसटी के लिए 52।
आप देख सकते हैं कि आप किस किस बोर्ड से आते हैं और आपका नंबर कितना बन रहा है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से CBT 2 का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि CBT 2 में इतने कम कट ऑफ नहीं जाएंगे, वहाँ पर 80+ आपको नंबर लाना ही लाना है। तो इसलिए आपको जियो जान से अगर आपके इससे 10 नंबर 5 नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से CBT 2 का तैयारी करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।